गीता और अमरीकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने संभाला प्रधानमंत्री पद का कार्यभार। नवाज शरीफ और अन्य सार्क देशों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। मोदी से मिलने से पहले नवाज शरीफ पहुंचे जामा मस्जिद। मौलाना बुखारी ने किया स्वागत और उसके बाद किया लाल किले का दर्शन। मोदी सरकार के मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। राजनाथ सिंह को मिला गृह मंत्रालय तो सुषमा स्वराज बनी विदेश मंत्री। और दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल पर सुनवाई आज। कोर्ट की अवमानना करने पर भेजे गए जेल। नमस्कार, मैं सलामत अली। खबरों की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रियों के मंत्रालय पर असमंजस खत्म हो गया है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बन गए हैं और साथ ही साथ सुषमा स्वराज को विदेश मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है। इसके अलावा अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री और साथ ही साथ हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिम्मेदारियां दे दी गई है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और साथ ही साथ जहाजरीन मंत्रालय दिया गया है। सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय दिया गया है। अशोक गजपति राजू को उद्यान मंत्रालय दिया गया है। उमा भारती को जल संसाधन और गंगा सफाई का प्रभार सौंपा गया है। नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक मामले का प्रभार सौंपा गया है। कलराज मिश्रा को लघु उद्योग मंत्री बने गए हैं और साथ ही साथ यदि बात की जाए अनंत गीते की तो अनंत गीते को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। वेंकैया नायडू को शहरी विकास और साथ ही साथ संसदीय कार्य सौंपा गया है। वहीं रविशंकर प्रसाद को कानूनन संचार और साथ ही साथ आईटी मंत्री बनाया गया है। यदि बात की जाए गोपीनाथ मुंडे की तो गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्रालय और मेनका गांधी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय दिया गया है। रामविलास पासवान को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया है। हरसिमरत कौर बादल को खाद्य प्रसंस्करण को मंत्री जो है वो बनाया गया है। इसके अलावा यदि बात की जाए नरेंद्र सिंह की तो नरेंद्र सिंह तोमर होंगे खान एवं इस्पात मंत्री। इनके अलावा श्रवण एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हें मिला हुआ है। इसके अलावा जुएल ओराव की बात की जाए तो वो बने हैं आदिवासी मामलों के मंत्री। राधा मोहन सिंह बने हैं कृषि मंत्री। थावर चंद गहलोत को मिला है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। तो फिलहाल ये जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप दी गई है, ये जिम्मेदारी उठाई जाएगी। यदि कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्रियों में आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्रालय संभालेंगे, सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय दिया गया है, अरुण जेटली वित्त कॉरपोरेट मामला और साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय उन्हें दिया गया है, एम वेंकैया नायडू को शहरी विकास आवास और साथ ही साथ शहरी गरीबी उन्मूलन और साथ ही संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी की यदि बात की जाए तो नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग जहाजरानी ये जिम्मेदारी दी गई है। डीवी सदानंद गौड़ा को रेलवे दिया गया है, रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है, रेलवे मंत्रालय दिया गया है। उमा भारती को जल संसाधन नदी विकास और गंगा पूर्ण जीवन का जिम्मेदारी जो है वो उमा भारती को दी गई है, यानी कि गंगा पूर्ण जीवन की जिम्मेदारी भी खास तौर पर उमा भारती को दी गई है। इसके अलावा नजमा हेपतुल्ला की बात की जाए तो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय उन्हें दिया गया है। इसके अलावा गोपीनाथ मुंडे की बात की जाए तो ग्रामीण विकास पंचायती राज
साथ ही साथ पेयजल और स्वच्छता की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। रामविलास पासवान की बात की जाए तो उपभोक्ता मामला, खाद्य और सार्वजनिक वितरण इन्हें सौंपा गया है। कलराज मिश्र की बात की जाए तो सूक्ष्म, लघु और साथ ही मध्यम उद्यम जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मेनका गांधी की बात की जाए तो महिला और बाल विकास विभाग इनके सुपुत्र किया गया है, इनकी जिम्मेदारी मेनका गांधी जी की होगी। इसके अलावा अनंत कुमार की बात की जाए तो रासायनिक और साथ ही साथ उर्वरक जिम्मेदारी जो है वो इन्हें की दी गई है। रविशंकर प्रसाद को संचारण और सूचना प्रौद्योगिक, कानून और साथ ही साथ न्याय की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। इसके अलावा अशोक की बात की जाए, अशोक पशुपति की तो नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। अनंत गीते की बात की जाए तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। इसके अलावा हरसिमरत कौर जो बादल है उन्हें खाद्य उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर खनन, इस्पात, श्रम और रोजगार की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जुगल ओराव को जनजातीय मामला, ये जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम जो मंत्री पद की जो है वो घोषणा हो चुकी है, ये कैबिनेट के मंत्री है। इनके अलावा यदि राज्य मंत्रियों की बात की जाए तो इंद्रजीत सिंह राव और साथ ही साथ संतोष कुमार गंगवार, श्रीपद नाइक, धर्मेंद्र प्रधान, इन सभीों को जो है राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्य दिवस की शुरुआत शपथ ग्रहण में आए विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात से होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि नेताओं के इस कड़ी में सबसे अहम होगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ उनकी बैठक और बातचीत। दोनों नेताओं के बीच इस पहली शीर्ष बातचीत से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इससे संबंध सुधार की गाड़ी आगे बढ़ाने का रास्ता तय जरूर होना है। तो फिलहाल नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अपनी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है और साथ ही साथ फिलहाल जो है जिस तरह से सार्क देशों के जो तमाम प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए हैं उनसे मुलाकात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज मुलाकात करेंगे। सद्भाव के माहौल में नई संभावनाओं पर सबकी नज़र है। इसके अलावा दूसरे सार्क राष्ट्र अध्यक्षों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। मोदी और साथ ही साथ सार्क देशों के नेताओं के बीच ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और इसी कड़ी में वह सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हमीद करजई से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से मिलेंगे। साथ ही साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी एक एक कर सबसे मुलाकात जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पर कई जिम्मेदारी है और कई जिम्मेदारियों को उन्हें निभाना है। यदि बात की जाए नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ फिलहाल दिल्ली के दर्शन पर है, जामा मस्जिद सुबह गए थे। जामा मस्जिद में वहाँ पर जो है उनका स्वागत किया गया, मौलाना बुखारी ने उनका स्वागत किया। जामा मस्जिद के बाद आगे की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, आगे उनसे उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने लाल किला देखा, लाल किले से प्रस्थान किया, उन्होंने दिल्ली दर्शन पर निकले हुए हैं। इसे एक अच्छा संदेश जो है वो माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच के जो रिश्तों में खटास चल रही थी उससे अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाग रही है कि शायद वो सभी चीज़ें अब दूर हो सकती है। लेमन न्यूज में खबरें अभी और भी है लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैचेस, 200 खिलाड़ी और सिर्फ
एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमरीकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मंगलवार को नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच एक अहम मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन कश्मीर मुद्दे इस बैठक में कोई बात नहीं होगी इसकी उम्मीद कम है। फिर भी कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाकर दोनों देश दोस्ती के इस माहौल को भुनाने की कोशिश करना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन मोदी के लिए मुश्किलों का दौर अभी शुरू ही हुआ है। मोदी के सामने चुनौती न सिर्फ घर को ठीक करने की है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की चुनौती भी मोदी के सामने खड़ी है। जब भी पड़ोसी देशों का जिक्र आता है तो पाकिस्तान भारत के लिए कमजोर कड़ी साबित होता है, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर करना न सिर्फ भारत की मजबूरी है, बल्कि दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भारत को यह कदम उठाना ही होगा। और इसी की शुरुआत मोदी सरकार ने कर भी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में न्योता देकर नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का खैर मकदम किया, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों को लेकर असली कदम उठाया जाएगा मंगलवार को, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आपस में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चलेगी और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा मुमकिन है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ मसलों पर दोनों देश आगे बढ़ पाएंगे इसकी सभी को उम्मीद है। सूत्र कहते हैं कि मोदी शरीफ के साथ गरीबी कार्ड खेल सकते हैं। नरेंद्र मोदी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाने की मांग भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों देश एक टेबल पर होंगे तो सीमा पार से आतंकवाद का जिक्र भी आएगा, लेकिन इन सब के बीच शायद ही कश्मीर मसले पर कोई बात हो। हाँ, लेकिन पाकिस्तान चाहेगा कि क्रिकेट संबंध बहाल करने को लेकर कोई कोशिश जरूर हो। कुल मिलाकर नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति ही यह तय करेगी कि आने वाले सालों में भारत दुनिया में किस दर्जे का देश साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए सार्क देशों के नेता भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। इनमें सबसे अहम नाम था पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का। सार्क देशों के नेताओं को न्योता देकर नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति की झलक दिखाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कि क्यों सार्क देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत होना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रमुख शामिल हुए। ये देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और दक्षिण एशिया में आपसी व्यापार और सहयोग बनाने के लिए बने संगठन सार्क के सदस्य हैं। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का न्योता सार्क देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन सार्क देशों के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते कितने मजबूत हैं इस पर एक नजर। नरेंद्र मोदी ने जब नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा तो शायद उन्हें यकीन ना हुआ हो। दरअसल जिस तरह से चुनाव के दौरान मोदी की छवि को देश भर के सामने पेश किया गया था या फिर पाकिस्तान पर मोदी के दिए गए बयानों पर बात हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी का नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना वाकई चौंकाने वाला था। इसके साथ ही मोदी ने सार्क देशों को भी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा। कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि मोदी ने आने वाले दिनों के लिए सार्क देशों के साथ मिलकर भारतीय ट्रेडिंग को एक नई दिशा देने की पहल की है। नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी ताजपोशी के जश्न में शामिल होने की दावत भेजना संकेत है कि आने वाले दिनों में नई सरकार की विदेश नीति में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सार्क में भारत के अलावा 7 देश हैं और इन सभी की सीमा भारत के साथ लगती है। भारत हर तरह से सार्क का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जहां तक आपसी कारोबार की बात है, पिछले कुछ समय में जिस रफ्तार से भारत का आर्थिक सहयोग दूसरे देशों के साथ बढ़ा है, सार्क सदस्य देशों के साथ कारोबारी रिश्ते उस रफ्तार से नहीं बढ़े हैं। अगर सार्क के सदस्य देशों के साथ अलग अलग व्यापार पर नजर डालें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा सहयोगी दिखता है। जनवरी से नवंबर 2013 तक के 11 महीनों में भारत ने बांग्लादेश के साथ 557 करोड़ का कारोबार किया है। इसके बाद है श्रीलंका, जिसके साथ भारत का कारोबार 415 करोड़ डॉलर का रहा। इसी तरह नेपाल के साथ 298 करोड़ डॉलर और पाकिस्तान के साथ 222 करोड़ डॉलर का कारोबार 11 महीनों में हुआ। इन देशों के अलावा अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार करीब 60 करोड़ डॉलर और भूटान के साथ करीब 38 करोड़ डॉलर और मालदीव के साथ करीब 10 करोड़ डॉलर का रहा। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सार्क देशों के साथ आपसी कारोबार बढ़ाने की गुंजाइश कितनी ज्यादा है। अगर सार्क देशों के आपसी कारोबार रिश्ते मजबूत होते हैं तो इससे सार्क सदस्य न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं बल्कि अपने अपने देशों में महंगाई और बेरोजगारी की समस्याओं पर भी काबू पा सकते हैं। देखना यह है कि मोदी की यह पहल आने वाले दिनों में किस हद तक कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। लेमन न्यूज़ में खबरें अभी और भी है, लेकिन हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए। मरते किसान और सोते। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम। हर रात 9 बजे अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंग वॉर मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। मोदी के शपथ लेते ही अमरावती में जश्न का माहौल हो गया। लोग
लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई, साथ ही मोदी की लाइव तस्वीरें जगह जगह एलसीडी प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया गया। अमरावती में प्रकाश की जगमगाहट से पूरा शहर मोदीमय हो गया। मोदी के पीएम बनने की खुशी में गुजरात बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। राजकोट से मोदी की पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने और राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने से यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। राजकोट बीजेपी कार्यालय पर मोदी के शपथ समारोह को देखने के लिए टीवी लगाई गई और जैसे ही मोदी ने पीएम पद की शपथ ली वैसे ही कार्यालय में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश का वड़ा प्रधान के शपथ ग्रहण जब कर रहे तब हमने ये आनंद होगा कि पहली बार मुख्यमंत्री बने तब राजकोट से चुनाव लड़े थे। आज पूरा राजकोट में आनंद की लहर है। 23 से 23 रोड में फटाकड़ा और मिठाई बेचने के बाद उत्सव मना रहा है। आज जो नरेंद्र भाई ने गुजरात का 6.25 करोड़ की जनता का जो चिंता करी थी उसी तरफ से देश की 125 करोड़ की जनता का वो चिंता करेंगे और विकास करेंगे। गुजरात का जैसा विकास करेंगे इससे देश का विकास होगा। शिरडी साईं बाबा के दरबार में भी भक्तों को लड्डू बांटकर बधाई दी गई। नरेंद्र मोदी 2008 में शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आए थे। उस समय मोदी ने साई ट्रस्ट के डायरी में लिखा था कि मेरा यहाँ जो ऊर्जा का स्रोत है औद्योगिक है जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर बधाई दी। साथ ही साईं बाबा से मोदी के लिए प्रार्थना भी की कि मोदी देश का इतना भला करे कि देश में खुशहाली की लहर जो है वो घूम उठे। नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में शपथ विधि हो रहा है इसलिए उसके खुशी में हम लोगों ने यहाँ पर सब साई भक्तों को और शिरडी के ग्रामवासियों को यहाँ पर हमने लड्डू यहाँ पर बांटे हैं और मिठाई खिलाकर यहाँ पर। राजनाथ गांव जिले के मोहला थाना के अंतर्गत आपको बता दें कि राजा डेरा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस सूचना के आधार पर मानपुर थाना से एसटीएफ और साथ ही साथ लीला पुलिस बल के कुल 80 जवानों के बीच मुठभेड़ में नक्सलियों ने भाग जाने का निर्णय किया जिसमें तारा नाम की नक्सली महिला को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। तारा के पास से करीब 12 बोर राइफल बरामद किया गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री शपथ लिए जाने की खुशी में पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिला। ठाणे शहर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों का मुंह मीठा करने के लिए 100 किलो लड्डू बांटे गए। सभी के यह मानना था कि मोदी सरकार आई है और अब देश में खुशियां भी आएगी, तो कहीं ना कहीं पूरी लहर जो है वो देखी जा रही थी। नरेंद्र मोदी की लहर की बात जिस तरह से की जाती रही है उसी तरह से फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शपथ ली उसके बाद खुशी का माहौल हर तरफ देखने को मिला। हर तरफ लड्डू बांटे गए, हर तरफ खुशियां मनाई गई और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शपथ लिया, शपथ के बाद नरेंद्र मोदी के तमाम समर्थक और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और साथ ही साथ कई जगहों पर लड्डू बांटे। और ऐसा ही एक मामला जो है वो ठाणे में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि ठाणे में रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और साथ ही साथ इस करीब 100 किलो लड्डू जो है यहां पर बांटे गए। सभी का ये मानना था कि मोदी सरकार आई है, अब देश में खुशियाँ भी आएगी। एनडीएचे पंतप्रधानाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आज दिल्ली या ठिकाणी शपथविधी सायंकाळी 6 वाजता घेत आहे। त्यानिमित्ताने देशभर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मतदारांना शुभेच्छा देण्यासाठी
आणि मतदारांचं तोंड गोड करण्यासाठी या ठिकाणी ठाणे शहरातील भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ठाणेकर नागरिकांसाठी या ठिकाणी बुंदी वाटपचा कार्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के संजय नेशनल पार्क के पास 9 मई को चोरी की एक वारदात सामने आई थी। बोरीवली इलाके में 6.4 करोड़ की कीमत के हीरे जेवरात का पार्सल एक सिक्योरिटी वैन ले जा रही थी, जिसे 6 लोगों ने मिलकर लूट लिया था, जिसमें वैन चालक उद्यम भान ठाकुर ने आपको बता दें कि प्रमुख भूमिका दिखाई थी। और लेकिन पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी उदय भान ठाकुर और साथ ही 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में भेज दिया गया है, जहां कोर्ट ने 5 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के सामने जेके लॉजिस्टिक्स कंपनी के एक बोलेरो जीप में, जिसमें के कुछ डायमंड के पार्सल्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, तो एक डकैती की घटना हुई शाम को 4 बजे के लगभग आसपास। उदय भान जो कि वो गाड़ी चला रहे थे, वो और उनके अन्य साथी लोगों ने इस गाड़ी के जो 3 लोग उसमें थे उनको बंधक बना के, उनको जीप में डाल के उनको थाने के हद्दी में छोड़ दिया और उनके पास जो 261 डायमंड्स थे उन डायमंड की चोरी की। जामनगर के गोकुल नगर इलाके में पटेल परिवार ने बढ़ते कर्ज को न चुका पाने और ब्याज खोरों से तंग आकर खुदकुशी करने का निर्णय कर लिया था और साथ ही साथ अपने ही घर में जहर खा लिए। विजय भाई का श्रुंद्रा ने अपनी पत्नी शारदा बेन एवं 17 साल की पुत्री शिवानी ने मिलकर दिया और साथ ही साथ ऐसे घटना को अंजाम उन्होंने दिया। तीनों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। पटेल समाज के कासुंद्रा है, विजय भाई कासुंद्रा, ये मुरलीधर सोसाइटी गोकुल नगर में रहते हैं और 3 जने फैमिली में, पति पत्नी और लड़की, तीनों जन ने कोई पॉइजन जैसा पिया है। क्या पिया है वो शायद बैगोन स्प्रे है और उसका क्या कारण है वो अभी जानने को नहीं मिला है, अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। ये ब्रास पार्ट का इसका कारखाना है, तो सुबह में कारीगर उनके घर गया तब उसको पता चला, घर खुला था तो अंदर जाके देखा कि ये लोग बेभान अनकॉन्शियस जैसी हालत में पड़े थे, तो फिर वो आजू बाजू वाले सब आए और 108 में इनको AGG हॉस्पिटल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत, नमस्कार। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाए।